हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शशांक जैन, वेलकम बैक टू माय चैनल वुडोफा। आज मैं आपके सामने जगतपुरी की मार्केट में आया हूँ और यहाँ पर मैं ऐसे सिंक के बारे में, स्टेनलेस सिंक के बारे में बात करने वाला हूँ कि क्या वैरायटी होती है स्टेनलेस सिंक में। और हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है, इनके हम शॉप पे हैं, हिज नेम इज शुभम। शुभम, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हाय, माय नेम इज शुभम मंगा, मेरा शोरूम है ईस्ट दिल्ली जगतपुरी में किंग पॉइंट के नाम से। भैया ने एक आध वीडियो और भी मेरे यहाँ पे शूट की है, हो सकता है आपने वो वीडियो देखी हो, और नहीं देखी तो डेफिनेटली जाके चेकआउट कीजिएगा। आज हम स्टील सिंक्स के बारे में बात करेंगे, किचन सिंक्स का जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर चॉइस होती है। सो गाइज, पता है आपको कि अगर आप घर में किचन के बारे में सोचते हैं, चाहे आज सोचें चाहे 10 साल पहले सोचते थे या और बाद में सोचेंगे, ये एक एवरग्रीन वैरायटी है स्टेनलेस सिंक की। और इसमें इतनी सारे ऑप्शंस हैं आपके पास मार्केट में अवेलेबल, और आज हम सारे ऑप्शंस और सारी डिटेलिंग इस वीडियो में कवर करेंगे। आपको बड़ा मज़ा आएगा, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। एक स्पेशल कोड, डिस्काउंट कोड भी हम बताने वाले हैं, बीच में कहीं तो आएगा। वीडियो में आप देखते रहिए पूरे एंड तक वीडियो, और आपको उससे स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप स्टेनलेस सिंक खरीदना चाहते हैं। तो शुभम, लेट अस फर्स्ट टाइप टॉक अबाउट द स्टेनलेस स्टील के सिंक, कितने टाइप के हैं और क्या क्या वैरायटी हमारे पास अवेलेबल है, तो वो बात। हाँ जी, हाँ जी, तो लेट्स स्टार्ट। जहाँ से ट्रेडिशनली जो सिंक्स चलते थे वो इस टाइप के हमारे सिंक्स होते थे, जो थोड़े से राउंड पंच में आपको दिखते थे। तो पहले मैं आपको बाउल्स स्ट्रक्चर की बात बता देता हूँ, फिर उसमें ग्रेड्स होते हैं स्टील में, वी मूव ऑन टू दैट लेटर। जैसे इस जो पंच होता है, इसका क्या होता था, ट्रेडिशनली इस टाइप के पंच चलते थे हमारे इनके साथ, लेकिन नुकसान क्या होता है, इसमें स्पेस यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं आ पाती है। इसके साथ क्या प्रॉब्लम है, साइड में इतनी तो स्पेस दी है, इस साइड भी स्पेस है, ऐसे चारों साइड स्पेस गई है। फिर उसके बाद दीज आर ड्रॉन सिंक्स, ये एक मेटल की शीट होती है, ऊपर से प्रेस होते हैं ये, तो उससे ड्रॉ होता है। ड्रॉ करने की वजह से स्टील की जो इंटीग्रिटी होती है, शीट स्ट्रेच होती है, तो कुछ कहीं ना कहीं उसकी वो इंटीग्रिटी भी, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, थोड़ा हल्का हो जाता है। लेकिन अगर हम ब्रांडेड या अच्छी क्वालिटी कंपेयर करते हैं तो स्ट्रेंथ इतना इशू नहीं है, बट स्पेस बहुत कम हो जाता है। जैसा आप देख सकते हैं इसमें कर्वेचर आ रहा है, बर्तन जब हम रखते हैं तो बीच में लुढ़क लुढ़क के बर्तन आते हैं, तो उसमें हमारे बर्तन इतने ज़्यादा नहीं आ पाते हैं। सेम साइज़ में कंपैरिजन में अगर मैं देखूं, ये स्टील जो अपने वेल्डेड सिंक या हैंडमेड सिंक जो होते हैं, ये सेम साइज़ है, एग्जैक्टली सेम साइज़ है। लेकिन अगर मैं बाउल कैपेसिटी की बात करूं, तो आई थिंक कम से कम 20% 25% बाउल कैपेसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि ये इसमें साइड में हमारी स्पेस वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं हो रही है, और हम सीधे, हमारा स्ट्रेट ड्रॉन सिंक है, बिल्कुल स्ट्रेट वेल्डेड सिंक है ये, तो उससे हमारे पास बेड भी ऑलमोस्ट फ्लैट आता है, ज़रा सा बस एक एंगल दिया जाता है बेड में, ताकि हमारा पानी उसमें सारा ड्रेन में चला जाए, तो उसकी वजह से हमारे पास बाउल कैपेसिटी बढ़ जाती है, बर्तन बहुत आ जाता है। तो दो टाइप के हो गए, एक सिंगल बॉल ही हो गया, सिंगल बॉल के अंदर एक कर्वेचर वाला राउंड हो गया और एक स्क्वायर काइंड ऑफ रेक्टेंगुलर हो गया। एज यू सेड कि रेक्टेंगुलर वाले में स्पेस ज़्यादा मिल जाएगी, बाउल वाले में स्पेस ज़्यादा खराब होगी। ओवरऑल लुक एंड फील में मुझे लगता है ये ज़्यादा अच्छा दिखेगा, अच्छा दिखने में, ये अच्छा, और ये थोड़ा टिपिकल पुराने टाइप का एक सिंक दिखेगा। ओके, तो अब हम टाइप ऑफ ग्रेड की बात करते हैं कि स्टेनलेस स्टील में क्या ग्रेड्स पॉसिबल हैं। शुभम, क्या क्या ग्रेड्स के यहाँ पर सिंक होते हैं? हाँ जी भैया, जैसे क्या होता है, स्टील की प्योरिटी और उसकी जो स्टैंडर्ड होता है वो 202 ग्रेड स्टील होता है, 304 ग्रेड होता है। तो 202 ग्रेड होता है उसमें हमारा करोजन पॉसिबिलिटी है, 304 ग्रेड हमारा आइडल प्रोडक्ट है अगर हम स्टील सिंक्स जाना चाह रहे हैं तो। 304 में एक तो रस्ट फ्री होता है, करोजन नहीं आता, ठीक है। दूसरा, वो फूड ग्रेड के लिए एप्ट होता है, जिसमें हम अपने पोर्टेबल वाटर क्वालिटी या फिर जो हम फूड भी प्लेस कर सकते हैं। तो स्टेनलेस स्टील बेसिकली क्या होता है, जैसे मैंने ग्रेड बताया, जिनको ग्रेड्स के बारे में नहीं पता, जैसे गोल्ड में हमारे कैरेट आते हैं, जितना हाई कैरेट होगा उतनी प्योरिटी होगी, तो वैसे ही स्टील का ग्रेडिंग होती है। 202 बहुत, जहाँ पे बिल्कुल पानी का काम ना हो वहाँ पे ही रिकमेंड किया जाता है, 304 ग्रेड जहाँ पे पानी का काम होता है वहाँ पे होता है। एक अपर कैटेगरी ऑफ 304 के भी ऊपर भी आता है, 316 होता है, लेकिन वो यूजुअली सिर्फ हमारा सर्जिकल इक्विपमेंट्स में यूज होता है। तो 304 ग्रेड इज द हाईएस्ट ग्रेड पॉसिबल इन सिंक्स। इन सिंक्स, सो दैट इज़ अ वेरी गुड इंसाइट। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है इस बारे में, और वो सिर्फ सिंक लेने जाते हैं दुकान पे, और उन्हें लगता है कि एसएस का सिंक सस्ता मिल रहा है तो हमें ले लेना चाहिए, पर आइडियली ग्रेड भी जरूर पता करना ग्रेड चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्राइस में बहुत फर्क आ जाता है ग्रेड्स को लेके। मतलब कभी कभार क्या होता है, आप एक एक सिंक लेते हैं, चाहे ये बेसिक मैच जो सिंक दिखा रहा था आपको, ये जैसे हमारा ये नीलकंठ या निराली कंपनी का है, अगर 304 ग्रेड का हम स्टील लेते हैं, कंपनी का सिंक लेते हैं ये वाला, तो अगर 4,500-5,000 का है, तो इसका 202 काउंटर पार्ट
हमें 1000 रुपये का मिल जाएगा। 750 तक की भी वरायटी है कुछ थिकनेस ऑफ द स्टील पे, लेकिन अगर मैं सेम थिकनेस पे भी बात करूँ तो 1200 में सेम थिकनेस वाला सिंक मिल जाएगा जो 304 में 4-5 हज़ार रुपये तक पहुँच सकता है। और ये डिफरेंस तो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिशनल बाउल में है, अब ये डिफरेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है जब हम स्क्वायर सिंक्स में आ जाते हैं। अब यहाँ से अगर वी टेक इट फॉरवर्ड, तो जैसे हम स्क्वायर सिंक्स हमने बात किया, आज की डेट में सबसे ज़्यादा स्क्वायर सिंक्स पॉपुलर है, आजकल स्ट्रेट लाइंस ज़्यादा पॉपुलर है और यूटिलिटी भी इसकी ज़्यादा है। तो जैसे 304 ग्रेड का अगर हम स्क्वायर सिंक लेते हैं किसी भी कंपनी में, हम हर ब्रांडेड कंपनी में आ जाएगा, कैरेसल, नीलकंठ, निराली, अनुपम, जैना, यू नेम इट, हैकन, एनी कंपनी, तो 304 ग्रेड का अगर हम ये स्क्वायर सिंक लेते हैं तो बेयर मिनिमम तो प्राइस वुड स्टार्ट फ्रॉम 6,500 रुपीज, कैन गो अप टू 20,000 रुपीज डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द सिंक, ठीक है। लेकिन इसमें अगर हम चाइनीज इसका काउंटर पार्ट ले लें, जैसे ये चाइनीज वाला सिंक ही है, ये सिर्फ 1500 रुपये का है, सिर्फ 1500 रुपये का, और 304 नहीं है, ऑफकोर्स 202 ग्रेड है या उससे भी नीचे है, इम्पोर्टेड है, वी डू नॉट नो, उठाने में भारी है, कस्टमर्स को दिखाते हैं, कस्टमर्स को पसंद ज़रूर आता है, लेकिन जहाँ पे अगर आपके यहाँ पे खारा पानी है, अगर आप नोएडा, आगरा या ऐसे किसी जगह रहते हैं जहाँ पे पानी आपका ग्राउंड लेवल खारा है, तो प्लीज़ 202 तो गलती से मत यूज़ कीजिए, ये चाइनीज़ प्रोडक्ट बिल्कुल मत यूज़ कीजिए। ये भी बड़ा अच्छा इंसाइट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप एक ब्रांडेड कंपनी का प्रोडक्ट ले रहे हैं, ब्रांडेड कंपनी में भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं आई एम श्योर जो आप बात करेंगे, तो शुभम किस तरीके के ब्रांड्स हैं जो आज अवेलेबल हैं स्टेनलेस स्टील की मार्केट में, सिंक की मार्केट में, और आप कौन सा रिकमेंड करते हैं? अल्टीमेटली रिकमेंडेशन मैं इसमें बहुत ज़्यादा एम्फेसिस नहीं करूँगा, क्योंकि सबकी फिर प्रेफरेंस और प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी पे डिपेंड हो जाता है। 304 ग्रेड अगर मैं बोलूँ ए कंपनी का 304 ग्रेड है तो अच्छा है, बी का भी इक्वली गुड है। अब इट ऑल कम्स डाउन टू कि आप किस दुकान से ले रहे हैं, उसकी उस कंपनी पे कितनी पकड़ है, कितने आपको प्राइस बेनिफिट्स वो पास ऑन कर रहा है, क्योंकि MRP इस कंपनी की होती है, उसके बाद फिर उसके बाद डिस्काउंटिंग होती है। कुछ भी प्रोडक्ट हमारे ट्रेड में MRP पे नहीं बिकता है। तो अल्टीमेटली आपको कौन सा प्रोडक्ट आपकी नीड से बेस्ट जा रहा है, आपके घर के पास कौन सा मिल रहा है, और उस कंपनी के सर्विस सेंटर आपके घर के पास या आपकी सिटी में हैं? जनरली कौन कौन सी कंपनीज हैं? निराली, अनुपम, जैना, नीलकंठ, कैरेसल, हैकिन, बहुत सारे हैं। और इसके बाद ये तो टीयर वन ब्रांच के मैंने नाम लिए हैं आपके, टीयर टू टीयर थ्री हर लोकल मार्केट में कई सारे हैं। अगर वो 304 ग्रेड बना रहा है और उसमें स्टैंपिंग है 304 ग्रेड की, अच्छा प्रोडक्ट है, तो आप बेझिझक ले सकते हैं। तो इसकी स्टैंपिंग कैसे चेक कर सकते हैं शुभम, कि वो 304 की ग्रेड की स्टैंपिंग है कि नहीं है? अगर 304 है तो उस पर एज्ड होगा, उस पर लिखा होगा, उस पर 304 ग्रेड होगा। और हाँ, अगर आप किसी ब्रांडेड प्रोडक्ट पे जा रहे हैं जो मैंने ब्रांच के नाम लिए, तो वो 304 ग्रेड में ही बनाते हैं, उससे नीचे नहीं बनाते। बट ऑफकोर्स इन प्रोडक्ट्स में डुप्लीकेसी बहुत ईजी है, एक ठप्पा ही मारना है, तो फॉर दैट आप एक रिप्यूटेड शोरूम से लीजिए मटेरियल, और उसके साथ ऑलवेज एम्फेसिस कि आपको एक पक्का बिल मिले उसका, तो उससे आप श्योर हो जाएंगे कि आपको कोई प्रोडक्ट डुप्लीकेट तो नहीं मिल रहा है। फेयर मेक सेंस। अब शुभम हम आगे की इसकी टाइप की बात कर लेते हैं, जैसे कि एक यहाँ पर सिंगल बोल विद ड्रेन है, आप तो इसके बारे में बताएं। भैया क्या होता है, जैसे हमारे पास एक जो सिंक है, हमने एक हमारी प्रीवियस वीडियो में बात किया था, क्वार्ट्ज में हमने बताए थे डिफरेंट साइजेस आते हैं हमारे पास, सिमिलरली स्टील में हमारे पास डिफरेंट साइजेस आते हैं, डिफरेंट शेप आते हैं। बेसिकली अगर मैं कैटेगराइज करूँ तो सिंगल बॉल होता है, उसके बाद डबल बॉल होता है, उसके बाद डबल बॉल विद ड्रेन होता है, या सिंगल बॉल विद ड्रेन होता है। जो सबसे पॉपुलर ऑप्शंस आते हैं वो सिंगल बॉल या फिर डबल बॉल आते हैं। उसके बाद ड्रेन भी कई लोग लेते हैं, इतने पॉपुलर नहीं है, लेकिन ऑप्शन है, आप चाहें तो ले सकते हैं। ओके, सो दैट मींस गाइस ये भी सिमिलर जैसे हमने क्वार्ट्ज की बात करी, वैसे एसएस की बात हो रही है। और स्टेनलेस स्टील सिंक मैं बहुत सालों से यूज़ करता आया हूँ, और आई एम श्योर कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट उसको विद ड्रेन बोर्ड या विदाउट ड्रेन बोर्ड है, तो उसके हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर भी कुछ वैरायटी चेंज हो गई है शुभम, तो लास्ट 7-8 सालों में आई हैव सीन कि मार्केट इज बीन इवॉल्विंग, और स्टेनलेस स्टील की मार्केट में भी काफ़ी कुछ चेंज हो गया है, तो आप उसके बारे में बताएं। हाँ जी, फिर क्या है, जैसे एक तो लोग ब्रांड कॉन्शियस हो गए हैं, तो ब्रांड्स बहुत सारे आ गए हैं, कुछ पुराने ब्रांड्स जो थे वो बहुत अच्छा कर ही रहे हैं, कुछ नए ब्रांड्स भी आ रहे हैं, और हर ने अपने अपने प्रोडक्ट में थोड़ा थोड़ा सा कस्टमाइजेशन करी हुई है, थोड़े बहुत साइजेस के साथ प्ले होता है। देखिए कुछ जनरल साइजेस हैं, जैसे 24-18 है सबसे पॉपुलर साइज है, लेकिन अब क्या होता है लोगों के पास 24 से क्या होता है, डबल बॉल अगर हम जाते हैं तो 36-20 भी आ जाते हैं, वुड मेक सेंस,
आता है, लेकिन लोग कहते हैं मेरे पास 36 इंच जगह नहीं है, मेरे पास 30 इंच जगह है, 32 इंच जगह है, और मेरे को एक सिंगल बड़ा बाउल चाहिए, तो हमारे पास 32 इंच के बाउल भी आते हैं, 30 इंच के बाउल भी आते हैं, सिंगल बाउल 30 इंच का, तो बहुत बड़ा हो जाता है, जॉइंट फैमिली के लिए इनफ होता है। इसके बाद फिर क्या होता है, वेरिएशन आ जाते हैं, हमारे पास सिंक्स आते हैं, कॉर्नर सिंक्स भी आते हैं। ओके, अगर किसी के पास स्पेस सिर्फ कॉर्नर में निकल पा रही है तो उसमें डबल बाउल सिंक आ जाता है विद कॉर्नर, डबल बाउल में टू बोर्ड्स आ जाते हैं, ड्रेन भी आ जाते हैं। तो ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, अल्टीमेटली कितने प्रैक्टिकल निकलते हैं, कितने यूजफुल निकलते हैं, वो आपकी स्पेस पे रिक्वायर्ड होता है। एंड आप यूज कैसे कर रहे हैं? एग्जैक्टली मेरे को लगता है गाइस, ये खाली सिर्फ एज अ शॉप ओनर, एज अ सप्लायर, एज अ वेंडर की बात नहीं है, आपको खुद भी देखना पड़ेगा कि आपकी वो जगह जहाँ पर वो सिंक लगने वाला है कितनी है, क्या वो सिंगल बोल के लिए है, क्या वो डबल बोल के लिए है, क्या वो कॉर्नर के लिए, या वो डबल ड्रेन के लिए। तो आपकी रिक्वायरमेंट और आपकी स्पेस को मैच करके आप अपने डिज़ाइनर से, अपने कॉन्ट्रैक्टर से ज़रूर पूछें कि अच्छा मेरे यहाँ बेस्ट पॉसिबल सिंक कौन सा लग सकता है, क्या कोई और ऑप्शन भी है, तो आप उससे पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि ये ऑप्शन यूज़ किया जा सकता है कि नहीं कर सकते हैं। आई एड ऑन टू दिस, कभी कभार हमारे पास कस्टमर्स आते हैं वो ट्रेडिशनल कारपेंटर से जब किचन बनवाते हैं या मिस्त्री से किचन बनवा रहे हैं, मॉडल किचन नहीं बन रही है, तो मिस्त्री है ना कभी कभार एक स्टैंडर्ड चीज़ बोल देता है, एक सिंक ले आओ, वो उससे कौन सा सिंक ले आए, 24-18 का ले आओ, उनके पास स्पेस होती है बड़े की, उनकी रिक्वायरमेंट भी होती है, तो कभी कभार कस्टमर्स है ना कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हमारे मिस्त्री ने तो सर 24-18 का बोला, ठीक है, लेकिन हमें, हमारी जॉइंट फैमिली है, हमें बड़ा लगाना है, क्या करें। तो आप अपने मिस्त्री से ज़रूर चेक करें, आपके पास मैक्सिमम साइज़ का लग सकता है, जब मैक्सिमम साइज़ आप पूछ के आएंगे तो छोटा तो हम एनी केस लगा सकते हैं। तो आपके पास मालूम है कि आप मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं। दैट्स अ वेरी गुड इंसाइट। मतलब आइडली बहुत सारे लोग आई एम श्योर परेशान होते होंगे, क्योंकि हम तो खुद डिज़ाइनर्स हैं, तो हम लोग सोच के एक एक चीज़ ड्राइंग पे डाल के भेजते हैं लोगों के पास, पर आई एम श्योर बहुत सारे लोग हैं जो डिज़ाइनर से काम नहीं कराते और वो कारपेंटर से या एक अफोर्डेबल चीज़ कराना चाहते हैं। सो आई एम श्योर अगर उन्हें पता होगा टोटल स्पेस के बारे में तो उन्हें आसान होगा वैरायटी को देखना, उन्हें आसान होगा एक्चुअली में क्या चीज़ लेनी है, उसके बारे में बहुत खुल जाते हैं ना अल्टीमेटली फिर। तो इसमें स्टेनलेस स्टील की वैरायटी में कुछ और वैरायटी है शुभम? आई मीन जो आपने राउंड दिखाया, आपने स्क्वायर दिखाया, आपने उस दोनों के साइजेस बताए, कुछ और वैरायटी भी आती है स्टेनलेस स्टील में? इसमें बेसिकली हमारा, अब जैसे मैंने बताया बाउल्स के साथ प्ले करते हैं और साइजेस के साथ प्ले करते हैं, बेसिकली एक ड्रॉन सिंक होता है, एक हैंडमेड या वेल्डेड सिंक होता है, फिर उसके बाद आ जाती है हमारे ग्रेडिंग। तो जितना गेम है इसी में है, लेकिन अगर ये सारी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस देखें तो उसी में हमारे पास एक किसी बेयर मिनिमम कंपनी में भी, एक बहुत बड़ी कंपनी नहीं भी है तो 100 से ऊपर एसक्यूज बन जाते हैं। तो अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं, अलग अलग परम्यूटेशंस हैं, तो उसको अगर आप ऑप्शन देखें, अगर आप ज़्यादा मल्टीपल ब्रांड्स में कन्फ्यूज़ ना होना चाहें, आप सिर्फ किसी भी एक ब्रांड की कंपनी की कैटलॉग उठाइएगा, आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। वेरी गुड, सो दैट मीन्स देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस और आपको कॉशियसली ऑप्शन को चूज करना होगा। अब थोड़े से एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं स्टेनलेस स्टील सिंक की। भैया दिस इज फॉर लाइफ टाइम, हम प्रिज्यूम कर रहे हैं आप 202 ग्रेड वाला प्रोडक्ट नहीं लगा रहे, आप 304 ग्रेड वाला प्रोडक्ट लगा रहे हैं, और 304 में अगर आप ड्रॉन सिंक भी लगाते हैं जो ट्रेडिशनल आता है, तो आप उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते, आप कढ़ाई लेके छोड़ दीजिए, नहीं कुछ नहीं होना। और जैसे हमने देखा है इंडिया में मेड्स यूज़ करते हैं ज़्यादातर प्रोडक्ट्स को, हमारे यहाँ पे यूटेंसिल वॉशिंग के लिए डिश वॉशर्स आज भी इतने पॉपुलर नहीं है, यूजली मेड्स होते हैं, तो उनके लिए बिल्कुल आप यू लीव इट एंड फॉरगेट इट, आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ऐप साइज़ लगाया अपने यूटेंसिल्स के हिसाब से, तो आप कुछ मत सोचिए, हमेशा फॉर लाइफ टाइम है, आप इसको जब साफ़ करेंगे तो वैसे ही हमेशा ऐसे ही चमकता रहेगा, और इसको आप कभी रीयूज करना चाहे, आप दिस किचन डिसमेंटल करके इसको दोबारा रीयूज करना चाहे तो कर सकते हैं। दैट्स अ वेरी गुड इनसाइट। इसके एडवांटेजेस की अगर मैं बात करूं तो आपने बोला कि ड्यूरेबल है, आपने बोला सिंगल कलर्ड है, इसके स्क्रैचेस की क्या पोजीशन है, इसमें स्क्रैचेस लग जाते हैं? भैया इसमें क्या होता है, एक तो ग्लॉस फिनिश आता है जैसे हम ये सिंक देख रहे हैं, बाकी ये मैट फिनिश आते हैं, आजकल बेटर मैट फिनिश चलते हैं, मैट फिनिश में कोई स्क्रैच नहीं आता। कोई भी प्रोडक्ट की अगर ग्लॉस फिनिश है और उस पर यूटेंसिल्स या कुछ हैवी यूजेज होगा तो कहीं ना कहीं स्क्रैचेस आएंगे, तो आई वुड सजेस्ट गो फॉर मैट फिनिश। ए इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल पहले दिन से ही, दूसरा उसमें स्क्रैचेस आएंगे नहीं, बेसिकली ग्लॉस सिंक को ही रब किया जाता है तो उसमें मैट किया जाता है, तो फिर वो ऑलरेडी स्क्रैच उसमें कुछ आएगा ही नहीं उसमें। वेरी गुड, तो अब इसके थोड़े डीमेरिट्स की बात कर लेते हैं, आपको क्या लगता है कि स्टेनलेस स्टील सिंक, और जैसे हमने पहले क्वार्ट्ज की बात भी करी थी, वो हम एक और एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे गाइस, जिसमें हम स्टेनलेस स्टील और क्वार्ट्ज को कंपेयर करेंगे, दोनों के अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे। तो एक मोटा मोटी बात पे करें अगर, तो यहाँ इसके डीमेरिट्स क्या हैं?
भैया डीमेरिट, सबसे बड़ा डीमेरिट है इसका साउंड बहुत ज़्यादा आता है। ओके। मतलब जब आप इस पे बर्तन धोते हैं तो आपको पूरे घर में आवाज़ गूंजेगी, टक टक, बहुत आवाज़ रेजोनेट करती है क्योंकि स्टील है, स्टील रेजोनेट करेगा। उसको काउंटर करने के लिए पैडिंग डाल देते हैं उस पर, कई एक POP टाइप के एक पेंट होता है उसकी कोटिंग भी दे देते हैं ताकि कुछ साउंड सप्रेस हो जाए, लेकिन वो कुछ हेल्प करती है बट इट इज़ नॉट कि बिल्कुल ही क्वार्ट्ज़ की तरह बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाएगा। तो एक सबसे बड़ा एडवांटेज डिसएडवांटेज यही है कि आवाज़ बहुत ज़्यादा करता है। दूसरा, आज की डेट में जैसे आप जानते हो बहुत सारे लोग एस्थेटिक्स को बहुत वैल्यू करते हैं, राइट। तो ठीक है, ट्रेडिशनल सिंक से स्क्वायर सिंक बेटर ज़रूर दिखते हैं, लेकिन वो एंड ऑफ द डे है तो स्टील ही, ठीक है। तो वो क्वार्ट्ज़ से अगर हम कंपेयर करेंगे, और इसमें डिटेल में हम बात करेंगे एक और वीडियो में, तो उससे अगर कंपैरिजन आता है तो लोग, कई लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं वो अपग्रेड कर जाते हैं क्वार्ट्ज़ में। तो आई मीन नेट नेट बात करूँ तो साउंड की एक प्रॉब्लम है, कई सिंक में हो सकता है स्क्रैच की भी प्रॉब्लम हो, और देन एस्थेटिक्स तो डेफिनेटली प्रॉब्लम है बिकॉज ये हमेशा सिंगल कलर सिल्वर कलर में ही दिखता है। हाँ जी, हाँ जी। तो जो भी किचन हो कलर वही आएगा। हाँ, एक इसमें नया प्रोडक्ट स्टार्ट हुआ है जिसमें स्टील में ही ब्लैक, रोज गोल्ड और गोल्ड कोटिंग हो जाती है, वो PVD कोटिंग जो हो जाती है, लेकिन वो कितना ड्यूरेबल है, अगेन इट इज़ अ न्यू प्रोडक्ट, हमें देखना पड़ेगा कितना चलता है नहीं चलता है, लेकिन जितना इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की बात माने इट विल नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग। तो इसी के साथ हम स्टेनलेस स्टील के सिंक का वीडियो ख़त्म करते हैं, और हमने बीच में एक कोड भी डाला था वीडियो के दौरान, तो वो आपको कोड मिला होगा। तो अगर आप जगतपुरी आते हैं और शुभम के पास आते हैं, वो कोड बताएं, शुभम विल गिव यू एक्स्ट्रा डिस्काउंट एंड विल ट्राई टू केटर टू योर नीड्स, और आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको SS के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। वी आर वेटिंग फॉर योर लव टू कम बैक। थैंक यू सो मच। साइनिंग इट ऑफ, शशांक जैन।